हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रूफ राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। बरकत कॉम्प्लेक्स था बस स्टैंड रोड पर बड़े गड़े, लोगों को आमद व रफ्त करने में कई तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर नांदेड़ के रास्तों की तामीर व दुरुस्ती की जिम्मेदारी बल्दिया उज़्मा पर है, लेकिन लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम नजर आ रही है। इस साल बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से शहर के बहुत सारे रास्तों की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। रेलवे स्टेशन खदीम पुल जाने वाला रास्ते का शुमार हैदराबाद हाईवे में होता है। इस रास्ते पर 24 घंटे ट्रैफिक रहती है, लेकिन बरकत कॉम्प्लेक्स था रेलवे स्टेशन बस स्टैंड रास्ते पर जगह जगह गड़े होने की वजह से इस रास्ते से गुजरने वालों को मुश्किल का सामना करना पड़ा है। रास्ते से गुजरने वालों का कहना है कि इस रास्ते पर गड़े होने की वजह से मोटरसाइकिल सवार कमर के दर्द का शिकार हो रहे। ऑटो रिक्शा में भी सफ़र करने वालों की हालात कुछ ऐसी ही है। अगर ऑटो रिक्शा में कोई मरीज सफ़र कर रहा हो तो और ज़्यादा ही परेशानी की बात है। शहरिया ने नांदेड़ का कहना है कि बल्दिया उज़्मा पर कांग्रेस बरसर इख्तदार है, और तो और श्री अशोक राव चौहान नांदेड़ के वजीर सरपरस्त होने के साथ साथ महाराष्ट्र के वजीर तामीरात भी है। श्री अशोक राव चौहान को शहर के रास्तों, खास तौर पर बरकत कॉम्प्लेक्स था रेलवे स्टेशन बस स्टैंड रास्ते की हालत पर तवज्जो देते हुए इस रास्ते की दुरुस्ती के लिए इकदाम करने चाहिए, ताकि इस रास्ते से गुजरने वालों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बहुत परेशानी है, 6 महीने से प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट हो रहा, उसके बाद लोग गिर रहे। यहाँ से हिंगोली गेट से स्टेशन तक तो रोड इतना ख़राब है, किसी को हद नहीं। रोड में खड्डे है कि खड्डे में रोड है वही समझ में नहीं आ रहा। पीठ में होती आंग दुखता, एक्सीडेंट होता, डबल सीट बीवी को ला नहीं सकते, क्योंकि रस्ते में अगर गिर गया बच्चा छोटा, अपन है बोल के चला रहे, मन के में गैप आता, पैरा दुखते, क्या करना, किसको बोलना। आपसे हम ये अपील करते कि आप बांधकाम PWD मिनिस्टर है, उन्होंने हमारी अपील यही है नांदेड़ वासियों की तरफ से कि थोड़ा सा सना दीपावली वो है, वो जैसे आप रोड से कम खड्डे बुझा दिए तो पब्लिक के लिए आने जाने के लिए अच्छा है। अभी ये 1 साल तो हो गया शायद, उतना तो आइडिया नहीं, लेकिन 1 साल के ऊपर होगा ये परेशानी चालू है, क्या करेंगे। आप रोज़ का आना जाना डेली है? रोज़ का आना जाना है यही रोड से। अच्छा। नांदेड़ में हर जगह खड्डे हैं, अब सनों की वजह से गवर्नमेंट ने बुझा देना खड्डे, अच्छा रोड बना देना, यही अपेक्षा कर सकते हैं नांदेड़ की जनता। रोड के बारे में तो बहुत सारी परेशानी है, कितने साल से तकरीबन 18 साल हो रहे। अच्छा, ये आप रोड पे आते जाते रोज, आप क्या परेशानी होती है? परेशानी पेट्रोल वेस्ट होता, खड्डे है जाते, नाइट में बराबर दिखता नहीं, पेशेंट आ तो बहुत आराम से स्लो में लेके जाना पड़ता। क्या परेशानी, सब गड़े खड्डे खड्डे थे पूरे रास्ते से ख़राब, यहाँ आना मालूम नहीं हो रहा, बाजू खुद दूसरी तरफ किराया करना मालूम हो रहा, रोड एकदम बराबर नहीं, परेशानी ये बना ही नहीं है रोड, ऐसी उधर का बना था बाफना के आगे से, मगर ये ऐसी है ये रोड का जो है। सर आप एक ऑटो पैसेंजर हैं? हाँ सर। तो आप क्या क्या दिक्कतें होती है रोड? दिक्कत सब पूरे रोड से, एक ही ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा जाएंगे हम, पूरे दुनिया के खड्डे हैं, खड्डों में उनका तो नुकसान हो रहा ही हो रहा, मगर हमारा हम आपको भी लेट हो रहा, 10 मिनट 15 मिनट जो भी है हमारे को भी लेट हो रहा, उनको तो दिक्कत हो रही, उनका तो पेट्रोल जा रहा, जो भी कुछ है वो उनसे हमारे को भी तकलीफ ज़्यादा हो रही, तो कुछ नहीं कर सकते उनसे, क्योंकि वो आ ही नहीं सकते, बराबर अपना दिक्कत तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने रोड से जो है 1 साल 2 साल हो गए, महाराष्ट्र का कोई ऐसा रोड नहीं है कि सीधा सीधा जा सकता, बराबर सर, धन्यवाद। इतना ही बोल रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़।
और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।